नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। भाई और बहन के पवित्र रिश्ते का त्यौहार है भाई दूज। आप लोग भी भाई दूज मनाने की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन मनाए कब, तिथि कब है, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि दिवाली को लेकर जिस तरीके की तकरार देखने को मिली, जिस तरह का कंफ्यूजन भ्रम देखने को मिला, क्या भाई दूज पर भी कुछ इसी तरह की स्थिति बनी हुई है? इन तमाम सवालों का जवाब आप इस पॉडकास्ट में जानेंगे। हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा जी जुड़ गए हैं। राज मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सवाल बहुत तीखे होने वाले हैं आज, लेकिन सबसे पहले दर्शकों को बता दीजिए, तैयारी करके बैठ गए हैं, मुहूर्त उससे पहले, तिथि, कोई भ्रम की स्थिति दिवाली जैसी तो नहीं है इस बार? देखिए, सबसे पहले एक बात ध्यान रखना चाहिए मनु जी, कि हमारे यहाँ भ्रम वाली परिस्थिति नहीं होती। हम उस मान्यता के लोग हैं जो सूर्य चंद्रमा और प्रत्येक ग्रह की कला के ऊपर सात्विक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा को पहचान लेते हैं और पहचान करके बताते हैं कि इस मुहूर्त के अंतर्गत त्यौहार मनाना चाहिए। आप सोचिए, हम ही वो लोग हैं जो ये नहीं कि चंद्रमा किसी और देश के अंतर्गत निकल आया और हम अपने यहाँ बैठ करके उसी देश में घोषित कर दिया कि जी आज के दिन त्यौहार मनाया जाएगा। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। हमारे यहाँ हम ये नहीं कहते कि 25 तारीख को क्रिसमस है, पूरी दुनिया उस दिन मनाएगी जी। हम कहते हैं कि किस टाइम पर, कहाँ पर, कौन सी जगह पर ग्रह की क्या परिस्थिति होगी, वो जगह कितनी पॉजिटिव होगी, कितनी नेगेटिव होगी, उस पर डिपेंड करता है कि हम अपने त्यौहार को इस प्रकार से मनाएंगे। आज का युवा वर्ग ये है कि शायद सनातन की उतनी जानकारी नहीं पहुंच पाई है लोगों तक, जिस कारण से भ्रम की परिस्थिति आप सब तक उत्पन्न हो रही कि भाई क्यों त्योहार दो हो रहे हैं, क्यों ये परिस्थितियां हो रही हैं। लेकिन सत्य तो ये है, आप सोचिए कि जब जन्म होता है तो हम पूछते हैं बच्चे का बर्थ प्लेस क्या है, उस स्पेसिफिक जो डिस्ट्रिक्ट है वहां तक जाते हैं, उस स्टेट तक जाते हैं, उस स्टेट का सूर्य उदय देखते हैं, चंद्रमा की गति देखते हैं, फिर हम प्रेडिक्ट करते हैं कि इस बच्चे का फ्यूचर ये होने वाला है। तो हमारा जो शास्त्र है वो प्रॉपर एक साइंटिफिक शास्त्र है। मैंने कई बार कार्यक्रम में डिस्कस किया और फिर से आज कह रहा हूं कि आप लोग सोचिए, चंद्रमा पर आप जब अभी गया, शायद ब्लैक जो चंद्रमा का बैक साइड का हिस्सा, दक्षिणी जो हिस्सा है, वहां पर जब हम गए तो हमें पता चला कि जो चंद्रमा पर जो एक दिन एक रात होता है वो हमारा एक महीने होता है। आप सोचिए हमारे हिंदू धर्म के पंचांग को, कब से हमारे ऋषि मुनि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो भी त्योहारों को लेकर कंफ्यूजन होती है कई बार, क्योंकि हम लोग जो तारीखें हैं वो कुछ समय पहले आई हैं, जो हमारी तिथियां हैं वो सदैव रही हैं, इस कारण से कंफ्यूजन होती है। बट मनु जी, लेकिन ये भ्रम की स्थिति कम से कम लोगों के लिए अच्छी तो नहीं है, सनातन को जो मानते हैं उनके लिए तो अच्छी नहीं है। आप देखिए, फोन पे यही चर्चा होती रहती है, वीडियो कॉल पे यही चर्चा होती रहती है, आप लोग कब मना रहे हैं, हम कब आए आपके घर, तो ये क्या ठीक है? मनु जी, एक बात मैं आपको बता दूं, ये भ्रम की स्थिति पैदा क्यों हुई है? भ्रम की स्थिति पता है पैदा क्यों, क्योंकि हम लोगों ने अपने अच्छा क्या होता है मनु जी, एक चीज जानते हैं आप, स्वास्थ्य को आपने बचपन में एक लाइन पढ़ी होगी, रोटी दाल साग फल खीर खा हम पुष्ट बने बलबीर, पढ़ा था ना, किताब में होता था ना ये सब चीज़, आप सबने पढ़ा होगा। अब रोटी दाल साग इत्यादि खाने से आपका शरीर पुष्ट होता है, लेकिन आप साग खाना भूल गए। आज का युवा साग खाना चाहता है, घिया खाना तोरी खाना चाहता ही नहीं है। अच्छा क्या लगता है, पिज्जा अच्छा लगता है, बर्गर अच्छा लगता है, जो शायद किसी की मजबूरी में बना था लेकिन हमारे लिए जरूरी हो गया। ऐसे कंडीशन के अंतर्गत इसी प्रकार से जो हमारा मूलभूत था, जो वास्तविक साइंटिफिक तिथियां थी, उसको हम भूल गए। आज शायद मैं किसी से भी पूछूंगा कि प्रतिपदा कब है, द्वितीया कब है, तृतीया कब है, तो किसी को याद नहीं होगा, लेकिन सबको ये याद होगा कि एक तारीख, दो तारीख, तीन तारीख, सभी को याद होगा। तो इसी हम तिथियों को भूल गए हैं, इस कारण से शायद हम कंफ्यूज हो रहे हैं। सनातन में जस्टिफाई कर दिया, सनातन में कंफ्यूजन नहीं है, हम उस नॉलेज को भूल रहे हैं, इस कारण से कंफ्यूजन हो रहा है। लेकिन क्या कंफ्यूजन होना चाहिए, क्या ये सही है? देखिए, कंफ्यूजन, अब आपकी नॉलेज नहीं होगी तो कंफ्यूजन हो गई। उसमें सनातन क्या है? आप जैसे तर्क वाले भी तो हैं, वो कह रहे हैं 1 नवंबर को दिवाली है, अब कुछ कह रहे हैं 31 को, तो भाई जो सनातन को मानता है वो तो बन गया ना, वो कहां जाए? क्या ये वजह नहीं है कि लोग सनातन पर सवाल खड़ा करते हैं? मनु जी, मैंने इसीलिए कहा, ये बड़ा अस्पष्ट प्रकार से नियम है कि आप एक, मैं एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ। एक बुढ़िया एक आश्रम के बाहर बैठ करके रो रही थी, एक संत ने पूछा क्यों रो रही हो, अपने बच्चों को गाली देना प्रारंभ कर देती है, एक बच्चा इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, एक पायलट है, लेकिन मेरी देखभाल कौन, कोई नहीं कर रहा है। तो वो संत कहते हैं कि एक बात बता दीजिए, आपने उन बच्चों को डॉक्टर बनाया? बोले हाँ। बनाने के लिए मेहनत किया? बोले हाँ बिल्कुल किया। बोले आपने इंजीनियर बनाने के लिए मेहनत किया? बोले बिल्कुल किया। और वो बने? बोले हाँ बने। बोले पायलट बनाने के लिए आपने पढ़ाया? बने। बोले हाँ। बोले कभी गीता
गीता रामायण आपने उठाकर पढ़ाया? बोले कभी नहीं पढ़ाया। तो बोले जिसमें वो संस्कार छुपा हुआ था कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, वो आपने पढ़ाया ही नहीं, तो फिर आपका बच्चा आपकी सेवा करेगा कैसे? तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अगर सनातन के हमने शिक्षा को दिया ही नहीं, तिथि को बच्चे को बताया ही नहीं, आज आप बर्थडे मनाते हैं तो आप तारीख से मनाते हैं, जबकि वास्तविकता में साइंटिफिकली आपको तिथि के हिसाब से मनाना चाहिए। हमारे यहाँ मनाया जाता है, हम लोग मनाते हैं, आज भी मनाते हैं, तो साइंटिफिकली वही होना चाहिए। खैर वो एक बहुत डिफरेंट विषय हो जाएगा, उसमें भी तो कंफ्यूजन है। सवाल तो मैं आपसे लगातार यही पूछ रही हूं, मुझे आप ये बताइए। तिथि में कंफ्यूजन नहीं है मनोज जी। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं दर्शकों के लिए कि भाई भाई तुझ में कोई कंफ्यूजन नहीं है, दिवाली की तरह कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। 3 तारीख को ध्यान रखिए, 3 नवंबर 2024 रविवार के दिन ही भाई दूज मनाया जा रहा है। इस दिन जो द्वितीया तिथि है वो आपका रात को 10:06 तक रहने वाली है, तो सुबह से लेकर तो चाहे यानी 31 अक्टूबर को अगर आप बनाते हैं दिवाली, या फिर 1 नवंबर को बनाते हैं भाई दूज आप तीन को ही मनाना होगा। भाई दूज तीन को मनाना होगा, उसके आगे गोवर्धन होता है, उसके आगे भाई दूज होता है। दिवाली के बाद किसके आगे पीछे नहीं, जो गोवर्धन पूजा है वो 2 तारीख को है, और उसके बाद भाई दूज जो है वो 3 तारीख को है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और एक बार आपको बहुत देर से हो रहा था कि डिस्क्लोज करें आप राइट। और मैं एक बार मनोज और क्लियर कर दूं कि इस बार त्रिपुष्कर योग बन रहा है, स्पेशली भाई दूज पर। आप लोगों को शायद याद रखना होगा इस विषय को कि त्रिपुष्कर योग महीने में कहीं एक बार बनता है, और भाई दूज पर तो मैंने पिछले 60-70 वर्ष के पंचांग को खोला। और इस योग का महत्व, त्रिपुष्कर योग के अंतर्गत यदि किसी के लिए प्रार्थना की जाए ना, तो प्रार्थना 3 गुना अधिक काम करती है। यदि शत्रुता की जाए तो शत्रुता 3 गुना अधिक बढ़ती है। त्रिपुष्कर योग एक बहुत महत्वपूर्ण योग होता है। तो इस दिन जब कोई भी बहन श्रद्धा से अपने भाई के मस्तक पर तिलक करती है, उसके लिए प्रार्थना करती है, तो निश्चित रूप से उसके जीवन के जो कष्ट हैं वो स्वतः दूर होते हैं। मनोज जी मैं चाहूंगा टाइम भी क्लियर कर दूं ताकि दर्शक टाइम को लेकर जल्दी से उसके बाद फिर एक और तीखा सवाल मेरी तरफ से आने वाला है। जितने आपके पास तीखे सवाल हो, सनातन के प्रत्येक तीखे जो सवाल है, क्योंकि आप अगर तीखे सवाल पूछेंगी तो शायद मुझे लगता है जो युवा इस प्रोग्राम को सुन रहा होगा ना, उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। वो युवा आपके अंदर अपने आप को देख रहा है, देख रही है। तो अगर आप तीखे सवाल नहीं पूछेंगे तो युवा को लगेगा उसके साथ न्याय नहीं हुआ। ठीक है, पहले शुभ मुहूर्त बता दीजिए। तो शुभ मुहूर्त जो है सुबह 7:43 से लेकर के 8:58 का जो समय है वो बहुत सुंदर समय है। इस समय पर मनाया जा सकता है बहुत सुंदर तरीके से। और उसके बाद जो समय होगा 10:30 से लेकर के 12:06 का जो समय होगा, इस समय पर मनाना शास्त्र सम्मत होगा। तो दोनों समय है जिस पर आप मना सकते हैं अच्छी तरीके से। ये दोनों समय सबसे बेहतरीन रहने वाला है। तो ये दोनों समय रहेगा जो सबसे बेहतरीन है। भाई दूज ही इस प्रकार का त्योहार है। रक्षाबंधन में नियम है कि बहन भाई के घर आए और आकर के भाई को रक्षा सूत्र बांधे, ये नियम है। लेकिन भाई दूज पर बिल्कुल विपरीत है। भाई दूज पर भाई को बहन के घर जाना चाहिए और तिलक कराना चाहिए, और फिर उसके साथ उसके यहाँ भोजन भी करना चाहिए। इस प्रकार का नियम है। मनोज में एक छोटी सी जो कथा आप सब लोग भाई दूज के विषय में जानते होंगे कि यम जो है यमुना के भाई हैं, और यम अपनी कार्य में बहुत व्यस्त रहते हैं। आप सब लोग जानते हैं हम लोग ऐसे कर्म करते हैं इस संसार में रह करके कि यम को अपनी व्यस्तता रखनी पड़ती है ना। तो यम बहुत व्यस्त थे हम सभी लोगों के जो कर्मों का लेखा जोखा है उसको इकट्ठा करने में, फिर वो न्यायाधीश की प्रक्रिया में है, तो जो हमने किया है उसका परिणाम देने में। तो यमुना बार बार आग्रह करती थी कि आप मेरे घर आइए। अब यम कभी घर जाते ही नहीं थे। एक दिन अचानक कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि यानी दीपावली के दूसरे दिन द्वितीया तिथि के अंतर्गत यम पहुंच जाते हैं अपने भाई बहन यमुना के घर। यमुना देखकर बहुत प्रसन्न होती हैं, उनको भोजन कराती हैं, उनको तिलक करती हैं, और यम से प्रार्थना करती हैं कि भैया आज के दिन यदि कोई भी भाई अपने बहन के घर आएगा, उसके हाथ से तिलक कराएगा और उसके घर में भोजन करेगा, तो उसको कभी भी किसी प्रकार से अकाल मृत्यु का सामना, यम की प्रताड़ना का सामना नहीं करना पड़ेगा।
तो अपने आप में एक सुंदर त्यौहार। तो अब बहनों को ये तय कर लेना है कि इस बार वो नहीं जा रही हैं, भाई आ रहे हैं। बहुत प्यारी सी कथा उसके पीछे आपने बताई भी, लेकिन महिला होने के नाते मेरा एक सवाल है कि रक्षा सूत्र पे रक्षा का सूत्र बांधती हैं बहनें अपने भाई की, लंबी कामना का हमेशा कामना करती हैं, स्वस्थ जीवन का कामना करती हैं बहनें अपने भाई के लिए, भाई दूज पर व्रत रखती हैं। जब तक भाई नहीं आ जाता अन्न नहीं जाता है, पूजा पाठ करने के बाद ही सब कुछ होता है। सब कुछ करें बहनें, लेकिन प्रेफरेंस तो नहीं मिलता बहनों को, देखिए या महिलाओं को। मैं एक बात कहूंगा, मैं इसमें तो एक चीज और भी ऐड करना चाहूंगा। आपने सिर्फ कहा कि रक्षा सूत्र बांधती हैं बहनें, यस बिल्कुल बांधती हैं, और शास्त्री मानता है कि बहनें रक्षा सूत्र बांधती हैं। तो भाई की आयु में वृद्धि होती है, भाई के जीवन के कष्ट दूर होते हैं, तिलक करती हैं तो दुर्घटना इत्यादि खत्म होती है और शरीर के रोग दूर होते हैं और जीवन का कष्ट दूर होता है। करवा चौथ का व्रत रख लेती हैं तो पति की आयु बढ़ जाती है। आप जानती हैं जितने व्रत बने हैं सब महिलाओं के लिए बने हैं। भगवान ने कितनी प्रेफरेंस दी है, आप इसको सोचिए कि पुरुष चाहे जितने व्रत पूजा अभिषेक जप सब कर ले, महिला का बाल झड़ना ठीक नहीं हो सकता, ये पक्का है। लेकिन एक उंगली भी ठीक नहीं हो सकती है, तो पवित्र महिलाएं हैं, आप ये कह रहे हैं, पवित्र मन की महिलाएं हैं। लेकिन महिला अगर पुरुष के लिए भगवान से छोटी सी प्रार्थना कर ले तो उसकी आयु बढ़ सकती है, उसके जीवन का संघर्ष दूर हो सकता है। आहोई अष्टमी माताएं अपने पुत्र के लिए रखती हैं। तो आपका ये कहने का मतलब है कि महिलाओं का मन इतना पवित्र होता है कि वो जो कामना करेंगी वो भगवान तक पहुंच जाती है और पुरुष की कामना नहीं पहुंच पाती है। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा, पर सनातन के अंदर महिलाओं के लिए सबसे सम्मानित परिस्थितियों का प्रयोग किया गया है। सनातन, ये जो लोग कहते हैं कि बेटियों को प्रेफरेंस नहीं दी गई या लड़कियों को, हाँ कुछ ऐसा प्रचलन हुआ, क्षेत्रीय चीजें हुई, मैं उसमें नकारूंगा नहीं कि जहां पर शायद बेटी की हत्या जैसी परिस्थिति, गर्भ में पुत्री के मृत्यु जैसी परिस्थिति को देखना पड़ा, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेकिन सनातन इसकी इजाजत कभी नहीं देता है। सनातन धर्म ही इस प्रकार का धर्म है जहां पर की देवी की पूजा होती है। आप किसी अन्य धर्म को उठा करके देख लीजिए जहां किसी महिला की पूजा होती हो। और सनातन में श्री रामचरित मानस गोस्वामी तुलसीदास जी जब लिखते हैं तो कहते हैं, उद्भव स्थित संहार कारणिम क्लेश हारणिम सर्वश्रेष्ठ क्रीम सीता न तो हम राम बल्लभा। माता जानकी जब आराधना करते हैं तो कहते हैं, एक स्त्री चाहे तो व्यक्ति के जीवन में स्थिरता, जीवन के व्यक्ति के जीवन का प्रारंभ, और अगर उसका सम्मान ना किया जाए तो व्यक्ति के जीवन का पतन भी हो सकता है। शिव जी का तो आप देख ही लीजिए अर्धांगिनी किस तरीके से उन्हें परिभाषित किया है। आप वही नहीं मनु जी, एक बात सोचिए, भगवान राम आयो, अभी दीपावली को लेकर आप चर्चा कर रहे थे, दीपावली किस खुशी में मनाया जाता है, आए भगवान राम, कौन आए, एक पुरुष आए, रावण को मार करके भगवान राम विजय प्राप्त करके आए, लेकिन पूजा किसकी होती है, लक्ष्मी जी की होती है। तो हमारे सनातन में तो कार्य करके पुरुष आता है लेकिन पूजा लक्ष्मी जी की होती है। तो हमारे यहाँ महिलाओं को बड़ा सम्मान दिया गया है। ठीक है, अब हम भैया दूज की बात कर रहे हैं, वापस टॉपिक पर आ जाते हैं। चूंकि कुछ भाई ऐसे हैं जो विदेश पढ़ने गए हैं या कामकाज से उस शहर में नहीं है, तो ऐसे में भाई दूज कैसे बहने बनाए। देखिए, अगर एक तो सबसे विषय है कि अगर भाई दूर रहते हैं तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत एक बहुत प्रचलन होता है कि भाई के फोटो को लोग तिलक करते हैं। ऐसी परिस्थिति कभी नहीं करनी चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। भाई के रहते हुए भाई के फोटो को तिलक करने का प्रावधान नहीं है। भगवान कृष्ण के अंतर्गत भाई का स्वरूप समझकर अगर भाई दूर है तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल इत्यादि देखते, वीडियो कॉल इत्यादि के माध्यम से उनसे बात जरूर करें, बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, भगवान की पूजा करते हुए भाई का स्वरूप अपने मस्तिष्क में रखते हुए भगवान कृष्ण से अपने भाई के दीर्घायु के लिए, उसके जीवन में उत्पन्न हो रहे कष्टों की निवृत्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक आपको प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान कृष्ण को तिलक करना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए कि ये तिलक जो मैं आपको कर रही हूँ ये मेरे भाई के मस्तक का तिलक बन जाए और उसका जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण हो। तो जो दूर रहते हैं भाई भी, आजकल सुविधा है, आप जो भी बहन को देना चाहते हैं वो श्रद्धा पूर्वक आप भेज सकते हैं, कोई गिफ्ट वगैरह आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं, आप डिजिटल पेमेंट की बात कर रहे हैं। हाँ, उस प्रकार की एक चीज और है कि जैसे किसी घर में किसी भाई की बहन नहीं होती या फिर बहन के भाई नहीं होता है, तो ऐसे में भाई दूज कैसे बनाए। देखिए, जिसके घर में भाई नहीं है, एक्चुअल में ये बहुत बड़ा विषय रहता है,
हाँ ये इच्छा रहती है कि अगर बहन है एक पुत्री है तो एक पुत्र की भी प्राप्ति हो जाए। खैर पुत्र और पुत्री में कोई डिफरेंस नहीं है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। और जब मैं भाई बहन के रिश्तों की बात करता हूँ ना मनु जी, तो मुझे लगता है बहन एक चीज हमेशा अपने भाई के लिए कहती है, मुझे बहुत छोटा शब्द याद आ रहा है कि जिंदगी गिरवी रख दूं तो मुस्कुराने की कीमत तो बता। भाई अगर प्रसन्न रहे तो बहन सर्वस्व अर्पण करने को तैयार रहती है। तो अगर घर में एक पुत्री है और पेरेंट्स भी चाहते हैं कि एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए या एक भाई आ जाए, तो ऐसी परिस्थिति में उस बहन को भगवान हनुमान जी को अपना भाई मान करके और तिलक करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि कौन सो काज कठिन जग माही और जो नहीं हो या तात तुम पाई। हे प्रभु, इस संसार का ऐसा कोई कठिन कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, मेरे ऊपर कृपा करके। हो सकता है कि माता पिता के भाग्य में पुत्र प्राप्ति का योग ना हो, लेकिन यदि एक छोटी बच्ची या एक पुत्री, एक बहन श्रद्धा से अपने भाई की मांग हनुमान जी से कर ले, तो हनुमान जी उसको नकार नहीं पाते। अच्छा, कोई संजोग भी बन रहा है कि संतान के रूप में अगर कोई कन्या चाह रहा है या फिर कहना चाह रहा है वो भी आ जाए। बिल्कुल, इस भाई दूज पर, क्योंकि ये भाई दूज बहुत सुंदर तरीके से मनाया जा रहा है। अनुराधा नक्षत्र के अंतर्गत ये भाई दूज मनाया जा रहा है। उस दिन वृश्चिक राशि के अंतर्गत चंद्रमा होंगे, जिसके राशि स्वामी मंगल ही स्वयं हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत, और मैंने कहा कि त्रिपुष्कर योग का संयोग इस बार है, तो यदि इस बार श्रद्धा से पूजन किया जाए और स्पेशली हनुमान जी की आराधना की जाए, तो ऐसे कंडीशन में निश्चित रूप से एक बहन को एक भाई की प्राप्ति निश्चित रूप से हो जाएगी। अब हाँ, एक परिस्थिति है कि एक तो बहनें भी मायूस होती हैं कि मेरा कोई भाई होता तो मैं उसको तिलक इत्यादि करता। अगर ये एज हो चुकी है जहाँ से अब भाई की प्राप्ति पॉसिबल नहीं है, ये तो मैंने छोटी बच्चियों के लिए बात किया है, जनरली बड़ी हैं जो कि ये मेरे भाई नहीं है, तो इस कंडीशन में किसको अपना भाई माना जाए? अच्छा, भाई को सुरक्षा का प्रतीक कहा गया है, तो कौन आपकी सुरक्षा करे? हो सकता है कि हर जगह आपका भाई होते हुए भी आपकी सुरक्षा करने ना पहुंच पाए, लेकिन जिस प्रकार द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को अपना भाई माना, अपना सखा माना, और दुशासन के प्रकोप से भगवान कृष्ण ने बचाया, और दुशासन को कहना पड़ा कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही ये नारी है कि नारी ही ये सारी है, तो ऐसे परिस्थिति में भगवान कृष्ण को अपना भाई मान करके उनको तिलक किया जाए और उनसे प्रार्थना किया जाए कि आप सदैव मेरे साथ रहें, आप ही मेरे बंधु हैं, आप ही मेरे सखा हैं और आप ही मेरे भाई हैं, ये किया जाए। अब कोई भाई जिनकी बहन नहीं है, अगर छोटा बच्चा है, तो उससे माता पिता श्रद्धा पूर्वक आदिशक्ति माता दुर्गा का पूजन करवाएं, ठीक है, और माता दुर्गा को भोग लगा करके उसको कुछ जरूर खिलाएं, इस प्रकार का नियम है। अगर आप बड़े हैं और आपकी बहन नहीं है और आपके मन में ये मायूसी होती है कि मेरी बहन भी अगर आज होती तो मुझे रक्षा सूत्र बांधती या मुझे तिलक करती, ऐसे परिस्थिति में राधा जी को अपनी बहन मान करके उनको श्रद्धा पूर्वक जो भी आपको अच्छा गिफ्ट प्रदान करना है वो जाकर के उनको प्रदान करें, तिलक ले जाकर के उनके चरणों को लगाएं और लगाकर अपने मस्तिष्क पर लगा लें, या फिर जो भी वहां ब्राह्मण इत्यादि हैं उनको दे दें कि राधा जी के चरण में लगाकर प्लीज मेरे चरण मस्तक पर लगा लीजिए। तो जो प्रार्थना एक बहन अपने भाई के लिए करेगी उसका फल प्राप्त होगा, वही प्रार्थना राधा जी के चरण में वो तिलक लगाकर लगाने से उससे दुगना लाभ आपको प्राप्त होगा। बेहद खूबसूरत। अच्छा, एक चीज मैंने और महसूस की आज के वक्त में कि भाई बहन का जैसा रिश्ता होना चाहिए उस तरह का मिठास कहीं ना कहीं खोती जा रही है, तनाव चाहे वो संपत्ति की वजह से हो कोई ना कोई कारण बन जाता है। क्या इसके पीछे ये भी एक फैक्टर है कि हम इस तरीके के जो त्यौहार है, रक्षाबंधन है या भाई दूज है, उसको बहुत ज्यादा महत्व नहीं दे रहे? देखिए, सनातन को भूल जाना, अपनी संस्कृति को, अपने जड़ को भूल जाने से प्रॉब्लम तो होती है। किसी देश को नष्ट करने के लिए सबसे ज्यादा बेहतर तरीका होता है कि उस देश की जो संस्कृति है उसको नष्ट कर दिया जाए। धीरे धीरे सनातन को नष्ट करने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र इस देश के अंतर्गत उत्पन्न होते गए, ऐसे बहुत सारे धर्म के लिए ऐसे शब्दों के प्रयोग किए गए, डराया गया ये वाला त्योहार ऐसा होता है, ऐसे बहुत सारी चीजों को तैयार किया गया। तो जो यदि आप अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे ना, से हमारे शास्त्र के अंतर्गत कहा गया था, श्री रामचरितमानस के अंतर्गत, मैं एक बड़ा सुंदर उदाहरण देना चाहूंगा और मुझे लगता है कि ये बड़ा सुंदर होगा। भगवान अभी हमारे यहाँ श्री रामचरितमानस को कोई फाड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है,
भगवान राम को जब दशरथ जी बन देते हैं ना, बनगमन की बात आती है, तो माता कौशल्या के पास जाते हैं और माता कौशल्या से ये नहीं कहते हैं कि मुझे पिताजी ने बन दिया है, बल्कि माता कौशल्या से कहते हैं कि पिता ही दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़काजू, मुझे पिताजी ने बन जाने की आज्ञा दी है, ठीक है, मुझे बन का राज प्रदान किया है ताकि माता पिता के रिश्तों में किसी प्रकार से दरार ना उत्पन्न हो। तो जब आप इन त्योहारों को मनाते हैं, इन संस्कृतियों को फॉलो करते हैं जी, तो बहन का इंपॉर्टेंस क्या है, भाई का इंपॉर्टेंस क्या है, माता पिता का इंपॉर्टेंस क्या है, रिश्तों के बारे में आपको जानकारी मिलती है, उनके महत्व के बारे में पता चलती है। अच्छा, पूजा का विधि विधान क्या है, किस तरीके से हमें उस पूजा को करना है, ये भी अपने दर्शकों को बता दीजिए। अगर भाई दूज पर आप पूजन कर रहे हैं, मैंने मुहूर्त को बता दिया है, लेकिन मुहूर्त के साथ कुछ मैं राशियों कनेक्ट करके इसको आपको बता देता हूं जल्दी। सबसे पहले आपके थाली में 5 चीजें जरूर होनी चाहिए, एक दिया जरूर होना चाहिए, चावल जरूर होना चाहिए, फूल जरूर होना चाहिए, मिष्ठान को जरूर होना चाहिए और तिलक होना चाहिए। तिलक में कोशिश कीजिए कि रोली जो शुद्ध आती है हल्दी वाली उसको लीजिए और केसर उसके अंतर्गत जरूर डाल लीजिए। जब तिलक आप अपने भाई को कर रही हैं, प्रयास करें भाई का मुख पूर्व की तरफ हो जी, और बहन का मुख पश्चिम की तरफ हो। उसके साथ मेष सिंह और धनु राशि वाले जो हैं वो लाल वस्त्र बहन पहने और पीले वस्त्र भाई को पहनना चाहिए। वृष कन्या मकर वाले जो हैं क्रीम कलर का वस्त्र भाई को पहनना चाहिए और पीले वस्त्र बहन को पहनना चाहिए। मिथुन तुला कुंभ हरे वस्त्र बहन पहने और सफेद या क्रीम कलर का वस्त्र भाई पहने। कर्क वृश्चिक मीन ये 4 जो राशियां हैं, यहाँ पर लाल वस्त्र बहन को पहनना चाहिए और लाल वस्त्र ही भाई को पहन करके तिलक करना चाहिए जी। मनोज आचार्य राज मिश्रा जी, बहुत प्यारी जानकारियाँ आपने दी हैं और कथा के बारे में भी बताया, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। तो दर्शकों, आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, शुक्रिया।